मुंबई में बारिश की वजह से आप लोगों को पता है महालक्ष्मी जो एक्सप्रेस थे वो 17 घंटे तक पानी में रही और अभी भी पानी के अंदर फंसा है। लेकिन बात ये अच्छी बात यह है कि 1050 लोगों को जो उसके अंदर थे ट्रेन में सभी को निकाला जा चुका है। इनिशियली तो जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने लोगों की मदद की, बाद में प्रशासन और के सारे लोग आए और सारे लोगों को सेफ्टी के जगह पे पहुँचाया जा चुका है। लेकिन मुंबई में चारों तरफ पानी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और प्रॉब्लम्स चारों तरफ हैं। सांता क्रूज में जो बारिश किया रेनफॉल हुआ वो 219 mm, कोलाबा में 90 mm, अलीबाग में 140 mm, थाने में 230 mm, और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे में और बारिश होने की संभावना है। कंबा पेट्रोल पंप है थाने में, वहाँ पर 8 फीट तक पानी का स्तर चला गया और वहाँ जितने भी कार पार्क थे वो सारे कार पार्क के उस कार पानी में डूब गया। और दूसरी बात अगर आप नज़र डालेंगे तो पनवेल पनवेल का भी पानी में बुरा हाल है। चारों तरफ जो अंदर के रोड हैं और जो बाहर के रोड हैं उसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अब वहाँ पे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद हैं और मंदिर वगैरह उन सबको खोल दिया गया। जहाँ जो पानी में नहीं है वहाँ पे लोगों को आसरा दिया गया। अभी तक कोई प्रशासन से वहाँ पे मदद नहीं आई है, लेकिन अभी जो मेन परेशानी हो रही है लोगों के खाने पीने की, तो अभी जो भी सुविधा देने की कोशिश हो रही है वहाँ के स्थानीय लोग और लोकल लोग ही मदद कर रहे हैं। और अगर आप बम्बे में रहने वाले हैं तो एक दूसरे जगह पता कीजिए और जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करें।